हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आलिम। आज हम बात करेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साधारण भिन्न का जोड़ और साधारण भिन्न की गुणा और साधारण भिन्न का घटाव। आज हम बात करेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मैंने लिंक दे रखा है, वहां से वो सारी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे मिश्रित भिन्न का जोड़। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। गाइस, चलते हैं सीधे सांपट पसल की ओर, वीडियो शुरू करते हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। हमें सवाल दे रखा है दो सही एक बटा तीन प्लस तीन सही दो बटा दो। गाइस देखिएगा हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीन की गुणा करेंगे दो से, यानी कि तीन दूनी छह में ये एक जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा सात, तो हमें लिखेंगे सात सेवन। बट्टी का निशान ये वाले तीन यहाँ आ जाएंगे और ये प्लस का निशान यही आ जाएगा। देखिएगा अब इसकी गुणा करेंगे फिर इस तीन से, यानी कि दो तीन छह और दो आठ बटे दो, दो तीन छह और दो आठ यानी कि आठ बटे दो। ये हमने साधारण भिन्न में बदल लिया, मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था साधारण भिन्न को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंश और हर, यानी कि जो ऊपर की संख्या दी गई है वो अंश है और नीचे की संख्या हर है। तो हमें देखना है कि हमारे हर समान तो नहीं है, जैसे कि यहाँ तीन है और यहाँ दो है, यानी कि ये अलग अलग है हर। अगर यहाँ तीन और यहाँ तीन होते तो हर हमारे समान होते, हम दूसरी जगह से सवाल को करते, लेकिन यहाँ हर हमारे अलग अलग हैं, तो हम इसको अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें होगा दो की गुणा करी जाएगी सात से और तीन की गुणा करी जाएगी आठ से और फिर तीन की दो से। देखिएगा जैसे कि दो सत्ते चौदह बटे तीन आठ में चौबीस या तीन अट्ठे चौबीस, ये प्लस में ऐसा नहीं आ जाएगा, तीन अट्ठे चौबीस और तीन दुनी छह। सबसे पहले क्या किया, दो की टेबल पड़ी सात बार, दो सत्ते चौदह और आठ तीन अट्ठे चौबीस, प्लस का निशान आ गया और तीन दुनी छह। अब इसको हम जोड़ लेंगे, चौदह और चौबीस को चार चार आठ, तीन दो एक तीन बटे छह। इसको हम काटेंगे, सबसे पहले दो से देखेंगे तो दो दुनी चार, दो तीन छह, इसको देखेंगे दो एकम दो, दो नीम अठारह यानी कि उन्नीस बटे तीन। गाइस ये आंसर है। क्या किया, सबसे पहले हमने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला, तीन की टेल पड़ी दो बार, इसमें एक जोड़ा, तीन दुनी छह और एक सात, फिर दो की टेल पड़ी तीन बार, दो तीन छह और दो आठ, तीन हमने वैसे लिख दिए, ये वाले दो हमने यहाँ लिख दिए, प्लस का निशान आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करी, दो की टेबल पड़ी सात बार, दो सत्ते चौदह, तीन की टेबल पड़ी आठ बार, तीन 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 अट्ठे चौबीस, प्लस का निशान आ गया बटे तीन दुनी छह आ गए। इसको हमने जोड़ा हमारे भी अड़तीस, चार और चार आठ, दो और एक तीन, अड़तीस बटे छह। इसको हमने दो से काटा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सम संख्या दो से काटते हैं, छह को काटा दो तीन छह, अड़तीस काटा दो से, तो हमारे उन्नीस हमारा आंसर आया उन्नीस बटे तीन। गाइस देखिएगा अगला सवाल हम कैसे करते हैं। गाइस देखिएगा अगला सवाल हमें दे रखा है दो सही चार बटा तीन प्लस दो सही तीन दो बटा तीन। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला सवाल किया था मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीन की टेबल पड़ेंगे दो बार, तीन दुनी छह, छह में चार जोड़ेंगे ये वाले, तो हमारे हो जाएंगे दस, हमारे हो गए दस, ये भट्टे का निशान आए, ये वाले तीन हमने ऐसे लिख लिए, ये प्लस का निशान ही आ गया। अब फिर तीन की टेबल पड़ी जाएगी दो बार, तीन दुनी छह, छह और दो आठ, ये हमने आठ लिखे बटे बटे में ये तीन आ गए। इसको हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। अब हमें इसको देखना है, सबसे पहले अंश और हर, ऊपर की संख्या जो वो अंश होती है, नीचे की संख्या हर होती है, तो हमारे हर इसमें समान है। पिछले सवाल में हमारे हर समान नहीं थे, इस वाले सवाल में हमारे जो हर है वो समान है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आड़ी दूसरी गुणा करेंगे लेकिन नीचे की नीचे गुणा नहीं करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में की थी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
तीन की टेन पड़ी जाएगी 10 बार, तीन की टेन पड़ेंगे 10 बार, 10 3 30 प्लस में आसान आ जाएगा, 8 3 24 और इसमें 3 से 3 की गुणा नहीं होगी, डायरेक्ट हर इसमें समान है तो 3 आ जाएंगे हमारे, तो बट्टे में हमारे यहाँ 3 आ जाएंगे, ऐसे ही बट्टे में हमने 3 लिख लिए, इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हुए हमारे 54, 30 और 24 हमने जोड़े हुए हमारे 54, बट्टे में हमारे आए 3, इसको हम देखेंगे 3 से काट के, 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे हमारे 2, 3 8 24 ये हमारे कट जाएंगे 18 से, तो हमारा आंसर आएगा 18। आज देखिए हमने क्या किया, साधारण दिन में बदला मिश्रित दिन को, 3 की टेबल पड़ी 2 बार, 3 दुनी 6, 4 जोड़े 10 हुआ, फिर 3 की टेबल 2 बार पड़ी, 3 दुनी 6 और 2 8 हुए, 3 बट्टे में वैसे ही आ गए दोनों जगह, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करी, 3 की टेबल पड़ी 10 बार, 10 3 30, 3 की टेबल पड़ी 8 बार, 8 3 24 प्लस हमारे हर सामान थे तो हमारे 3 आ जाएंगे, इसकी गुणा नहीं करी हमने इससे, इसको हमने जोड़ा 54 हुआ, 54 हमारे 3 ऐसे आ गए, फिर 3 से हमने इसको काटा, 3 एकम 3 एक बार काटा और 54 हमने काटे, 3 एकम 3 3 8 24 54 हमारा कट गया, यानी कि 18 3 54 हमारा आंसर आया 18। गाइस सवाल हमने सॉल्व कर दिया है, मिश्रित दिन को हमने जो है इसका जोड़ हमने कर दिया साधारण दिन में बदल के। गाइस और भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा।